हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन। अभी दोस्तों, आप अपने यूएन अकाउंट, पीएफ अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपका एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई नहीं करता, पेंडिंग में रह जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ऑनलाइन ऐड करेंगे और अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। चलिए जानते हो कैसे। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस यूएन अकाउंट में देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड किया गया है 21 फरवरी 2022 को, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग में है या वेरीफाई नहीं हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 दिन में अगर यह वेरीफाई नहीं होता है तो यह कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको नए सिरे से अकाउंट ऐड करके इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए, इसके लिए हम होम पेज पे चलेंगे। होम पेज पे चलने के बाद हम इस पेज पे थोड़ा नीचे आएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, यहाँ पर ऐड नहीं है पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए हम एडिट का ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कैसे इंटरफेस खुल के आएगा, इसमें देख रहे हैं बैंक और पेन ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, अगर आप पहले से ऐड किए हैं तो इस पेज में नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल शो कर रहा है, यहाँ पे दोनों पेंडिंग है, जिसे हमारा एम्प्लॉयर वेरीफाई नहीं किया है। दोस्तों, डिलीट ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पर कट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कट करके हम इसको डिलीट कर देंगे और दूसरा ऐड करेंगे। चलिए कट कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम पेंडिंग अकाउंट को डिलीट नहीं करेंगे तो दूसरा अकाउंट ऐड नहीं होगा, इसलिए हमें डिलीट करना जरूरी है। चलिए कट करके डिलीट कर देते हैं। बैंक अकाउंट और पैन कार्ड जो पेंडिंग में था, यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो हम नए सिरे से इसको ऐड करेंगे। इसके लिए इस इंटरफेस में ऊपर चलेंगे और आप यहाँ पे देख रहे हैं बैंक ऑप्शन और पैन कार्ड ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ बैंक ऐड करना है तो बैंक ऑप्शन लीजिए, मुझे पैन कार्ड भी ऐड करना है इसलिए पैन कार्ड ऑप्शन लूँगा। पासपोर्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हम नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी बैंक अकाउंट ऐड करेंगे उसे हमारा एम्प्लॉयर वेरीफाई करता है, अगर वो नहीं करता है तो वो पेंडिंग में ही पड़ा रह जाता है। दोस्तों, अगर SBI बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो इसको वेरीफाई करने के लिए एम्प्लॉयर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको खुद ही स्टेट बैंक ही वेरीफाई करेगा। चलिए इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको कैसे वेरीफाई होगा। फर्स्ट में बैंक अकाउंट नंबर, सेकेंड ऑप्शन में दोबारा बैंक अकाउंट एंटर करिए, उसका थर्ड ऑप्शन में बैंक IFC कोड, SBI का IFC कोड। इसके बाद हम वेरीफाई IFC पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा IFC कोड सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके ब्रांच का नाम और बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो कर रहा है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और पैन डिटेल, यहाँ पे पैन ऐड करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा है और सेकंड ब्लॉक में यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे। पैन नंबर एंटर करने के बाद मार्क करेंगे। दोस्तों, अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। अब हम सेव पे क्लिक करके सेव करेंगे और जिसके बाद हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आप देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ है, OTP हमारे नंबर पर सेंड हो चुका है। उस OTP को इस इंटरफेस में नीचे आएंगे और इंटर OTP में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। दोस्तों, इस तरह हमारा यूएन अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं KYC डिटेल तभी सेव होगा जब आपका एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई करेगा, मतलब पैन कार्ड जो ऐड किए हैं वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई होगा तभी ऐड होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट एडिंग प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, जो कि 3 से 7 दिनों के बीच में वेरीफाई हो जाएगा, इसको खुद बैंक करेगा। दोस्तों, इस इंटरफेस में नीचे चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैन कार्ड ऐड किए हैं एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई के लिए शो कर रहा है, और बगल में देख रहे हैं कि 60 दिनों में अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो इनवैलिडेट हो जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों, देख सकते हैं कि वेरीफिकेशन अंडर प्रोसेस है और इसके बगल में रिमार्क में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि 3 से 7 दिनों में वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा आपके यूएन अकाउंट में। आपको प्रूफ दिखाता हूँ जो कि मेरा ऐड हो चुका है। दोस्तों, यह अकाउंट ऐड होने के बाद का वीडियो है। इस इंटरफेस में हम नीचे आते हैं और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले बैंक अकाउंट नहीं शो कर रहा था, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, वेरीफाइड बाई बैंक लिखा हुआ है। एडिट पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कौन वेरीफाई किया है। इस पेज पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाइड ऑनलाइन बाई बैंक। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बैंक द्वारा वेरीफाइड किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे।